इंसान जब कभी किसी शारीरिक पीड़ा से जूझ रहा होता है, तब अस्पतालों के चक्कर काटना उसकी पहली प्राथमिकता हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और शरीर का ठीक होना सबसे ज़रूरी। दिल्ली में एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां लोग बहुत दूर दूर से स्वस्थ होने की कामना करके आते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ हमारी बीमारी का उपचार होगा और वो ठीक होकर अपने घर वापस जा पाएंगे। ऐसा ही कुछ मानना था मंगल का। राजस्थान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं मंगल जी। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, एक बच्चा था और दूसरे की तैयारी चल रही थी। उनकी बीवी को कुछ शारीरिक दिक्कत होने लगी। गांव में जगह जगह दिखाया, अलग अलग डॉक्टर के पास लेके गए उन्हें, पर बात नहीं बनी। जब सब जगह दिखाने के बाद भी बात नहीं बनी, तो वहाँ के एक डॉक्टर ने दिल्ली के इस अस्पताल का उन्हें नाम बताया। मंगल से कहा कि तुम वहाँ लेके चले जाओ अपनी बीवी को, शायद कुछ बात बने। हफ्ते 10 दिन सोचने के बाद उन्होंने अपने बच्चे को उसकी नानी के घर छोड़ दिया और चले आए यहाँ दिल्ली में। मंगल ने बताया कि वो दिल्ली में पहली बार आए थे, बड़ी बड़ी आसमान छूती इमारतें देख रहे थे। कितने लोग आए हुए थे वहाँ एक आस में, बहुत से लोग ठीक होके जा चुके थे। रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो अस्पताल के पास रैन बसेरा में रहना ठीक समझा। खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाया करता था और अस्पताल सरकारी होने की वजह से सारे खर्च जो थे, दवाइयाँ, टेस्ट, वो सब उन्हीं की तरफ से था। 3 दिनों की धक्का मुक्की के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने वहाँ अस्पताल में भर्ती कर लिया। जनरल वार्ड में 85 बेड थे, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे लोग। एक रोज उसी वार्ड में किन्हीं 2 मरीजों की मौत हो गई। उनके शवों को वहां से हटाया गया। इस बात से वहां का जो माहौल था वो गमगीन हो गया। मंगल ने बताया कि रात को तकरीबन 1 बज रहे थे, उसकी बीवी को पेट में दर्द होना शुरू हुआ। वो डॉक्टर या नर्स को बुलाने जल्दी से बाहर गया। इस टाइम पे कुछ ही लोगों की ड्यूटी थी वहां पे। इसी दौरान जब मंगल की बीवी दर्द से तड़प रही थी, तो उन्हें क्या नजर आया कि जिन 2 लोगों की मौत हुई थी इस वार्ड में, वो दोनों इनके पास खड़े हैं और वो इनसे कहते हैं, 2 दिन बाद रात के 1 बजे हम तुझे लेने आएंगे। इतने में मंगल के साथ 2 नर्स आती हैं, वो चेकअप करते हैं और कुछ दवाइयां चढ़ा के वहां से चली जाती हैं। नर्स कहती हैं, इन्हें पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में सो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। मंगल वहीं बैठा बैठा अपनी बीवी के सर पे हाथ फेर रहा था। वो सो चुकी थी और वो भी पास में बैठा बैठा सो गया। सुबह 7 बजे जब सफाई वाले आए, तो उन्होंने वार्ड की लाइटें जलाई, पर्दे हटाए। उस वक्त सब जाग चुके थे। मंगल उठा और उसने अपनी बीवी को भी उठाया, कहा, कुछ खाना है? उसने कहा, चाय और बिस्किट लेके आ जाओ आप। वो गया और 2 कप चाय लेके आया। दोनों ने साथ में बैठ के चाय पी, बिस्किट खाए। बीवी को पूछा, अब तबीयत कैसी है, कैसा लग रहा है? कहा कि मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। मंगल ने कहा, हाँ क्या हुआ? उसने बताया कि कल रात जब मुझे दर्द उठा था और आप बाहर डॉक्टर को बुलाने गए थे, तब मुझे मेरे पास 2 लोग नजर आए और वो कुछ कह रहे थे। कौन 2 लोग, क्या कह रहे थे? उसने बताया कि वही 2 लोग जिनकी यहाँ अभी मौत हुई थी, और वो ये कह रहे थे कि हम तुम्हें 2 दिन बाद रात के 1 बजे लेने आएंगे। मंगल ये बात सुन के कहता, तुम्हारा वहम होगा, दुख तकलीफ में ख्याल भी बुरे बुरे आने लगते हैं, तुम अब ठीक हो रही हो, देखना जल्दी ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी और यहाँ से वापस चली जाओगे। अस्पतालों में दिन काटने बड़े मुश्किल होते हैं और नेगेटिव ख्याल तो बहुत आते हैं। जैसे तैसे वो दिन गुजरा, रात हुई और खाना खा के दवाई लेके सब सोने की तैयारी करने लगे। आधी रात के वक्त मंगल की बीवी को फिर से दर्द उठा और उससे इस बार रहा नहीं गया।
वो जल्दी से नर्स को बुलाने गया। आज स्टाफ की थोड़ी कमी थी, रात को डॉक्टर भी नहीं थे। जो स्टाफ वाले थे वो भी इस वक्त किन्हीं दूसरे पेशेंट्स को देख रहे थे। मंगल यहाँ वहाँ ढूंढता रहा। यहाँ अंदर उसकी बीवी को आज फिर से उसके सर के पास वही दो लोग नजर आए जो कह रहे थे, बस एक दिन और, फिर तुझे इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तुझे हम अपने साथ उस दुनिया में ले जाएंगे जहाँ इंसानों का कोई काम नहीं। तूने अपने पति को बताया था ना हमारे बारे में, उसे यकीन नहीं होगा, कोई यकीन नहीं करेगा तेरा। बस आज आज और सहले, कल रात हम आएंगे और ले जाएंगे तुझे अपने साथ। वो दोनों उसके गोल गोल चक्कर काट रहे थे और हंस रहे थे। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी, किसी को मदद के लिए बोल नहीं पा रही थी। उसकी आवाज हलक तक आते आते रुक सी गई। लेटे लेटे अपने शरीर को झटक रही थी। इतने में मंगल के साथ नर्स आई। उसने देखा कि मुझे किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। फौरन वहां के लिए किसी डॉक्टर को भेजा गया। दो इंजेक्शन और दवाई देने के बाद कुछ आराम आया। डॉक्टर ने कहा अभी तो ये सो जाएंगी, कल सुबह आके देखते हैं। मंगल की आंखों में आंसू थे। बीवी को सोता देख वो भी वहीं लेट गया। पता नहीं कब कब में उसे भी नींद आ गई। सुबह होते ही जब सफाई वाले आए तब मंगल दोनों के लिए चाय बिस्किट लेके आया। साथ बैठे बैठे चाय पी रहे थे। मंगल ने कहा रात को तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी बीवी कुछ बोल नहीं रही थी और मंगल कुछ ना कुछ कहे जा रहा था। जब उसे लगा तुम कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हुआ? तब बीवी ने कहा आज मेरा आखिरी दिन है, वो आएंगे, मुझे ले जाएंगे अपने साथ, कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। वो कल भी आए थे, उन्होंने कहा बस एक दिन और। मंगल कहता कि आप पागलों जैसी बात कर रही हो, तुम ठीक हो, ये फालतू की बातें सोचना बंद करो। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आए। उन्होंने देखा, चेकअप किए तो सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा कल तक हम इन्हें छुट्टी भी दे देंगे, कुछ दवाइयाँ लिखेंगे, वो चलेंगी, वैसे ये अब ठीक हैं। ये बात सुन के मंगल के चेहरे पे एक खुशी थी। उसने डॉक्टर का धन्यवाद किया। मंगल ने अपनी बीवी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा तुम ठीक हो, देखना कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर के लिए, परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। मंगल डॉक्टर की बात सुन के इतना खुश हुआ, अब तो बस उसे कल सुबह का इंतज़ार था। पर उसके दिमाग में बीवी की कही बात अभी भी घूम रही थी कि आज उसका आखिरी दिन है। दोपहर के समय मंगल थोड़ी देर के लिए बाहर गया कुछ खाने को लेने। जब वापस अस्पताल की तरफ आ रहा था तो उसके हाथों में खाना देख के एक भिखारी उसके पीछे पड़ गया। मंगल ने उसे कहा बाबा क्या खाओगे? उसने एक चिप्स का पैकेट मांगा और बैठ के बाबा से बात की। बाबा मंगल की तरफ देख रहे थे। बेटा तुम राजस्थान से आए हो? मंगल कहता हाँ। और तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है ना, आपको कैसे पता ये सब? बाबा कहते मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है और बस एक उपाय से बचाया जा सकता है, नहीं तो आज रात उसकी आखिरी रात होगी। मंगल को ये सुन के गुस्सा आ गया। आप बड़े बुजुर्ग हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तो अभी बता देता तुझे। बाबा अपनी गर्दन हिलाते हुए कह रहे थे बेटा तुम यकीन नहीं करोगे, कोई नहीं करता, पर यहाँ अस्पताल में जिनकी मौत हो जाती है वो अपने साथ उन मरीजों को भी ले जाते हैं जो उन्हें देख लेता है। तुम्हारी बीवी ने उन्हें देख लिया था और वो उसे परेशान कर रहे हैं। तरीका बस एक ही है, ये छोटा सा घोड़े की नाल का चाकू, उसे उसके तकिए के नीचे रख देना, बच जाएगी वो, बहुत ताकत है इसमें। मंगल को लगा कि ये बूढ़ा कुछ गड़बड़ करेगा, वो उसकी बात को अनसुना कर वहाँ से निकल जाता है। बाबा कहते रह जाते हैं तूने मुझे खिलाया है, एक भूखे का पेट भरा है। ये कहते कहते वो मंगल के पीछे पीछे अंदर तक आ जाते हैं। वो देख लेते हैं कि मंगल की बीवी कहाँ है, किस बेड पर है। मंगल जब अपनी बीवी के पास पहुँचता है तो वो सो रही थी। खाने पीने का सामान रखा और बाथरूम चला गया। बाबा उस वक्त चुपके से वहाँ आए और मंगल की बीवी के तकिए के पास थोड़ा अंदर करके
वो छोटा सा चाकू रख दिया और चले गए। मंगल ने आके बीवी को उठाया और कहा, कुछ खाओगी? कहती, मेरा मन नहीं है। और फिर कहती, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मंगल कहता, तुम ठीक हो, कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, तुम देखना। अब धीरे धीरे रात हो चली थी, सब खा पी के सोने की तैयारी कर रहे थे। आधी रात के वक्त बीवी को कुछ बेचैनी सी होने लगी। मंगल उठा हुआ था उस वक्त, उसने हाथ पकड़ा हुआ था अपनी बीवी का। उसे लेटे लेटे पसीने आने लगे थे, घबराहट हो रही थी, एक बजने वाले थे। मंगल ने वहां से डॉक्टर को आवाज़ लगाई, वो आज उसी के पास था। थोड़ी देर में डॉक्टर और नर्स वहां पे आई। उन्होंने देखा कि जहां मंगल की बीवी थी उसके पास वाले बेड पर एक औरत थी जिसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसे देखना शुरू किया। पर डॉक्टर के आने में देर हो गई थी, वो औरत मर चुकी थी। और मंगल की बीवी अब शांत हो गई थी एकदम, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर ने देखा और एक बार बीपी चेक किया, ग्लूकोज चढ़ाया और चले गए। और साथ वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया गया। मंगल की बीवी उससे लिपट कर रोने लगी। उसे वो दो लोग आज भी दिखाई दिए थे, पर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। चाहकर भी इसको हाथ नहीं लगा पा रहे थे। इस बात से बौखलाकर उन्होंने साथ वाली बूढ़ी अम्मा का गला दबा दिया और ले गई उसकी आत्मा को अपने साथ। उन दोनों ने जाते जाते कहा था कि तेरे पति की वजह से तू बच गई है। ये रात मंगल और उसकी बीवी ने बिना सोए काटे। सुबह डॉक्टर ने आके डिस्चार्ज पेपर बनवाने को कहा। जब वो जाने लगे तो मंगल सामान समेट रहा था, तब उसे तकिए के नीचे वो छोटा सा चाकू नजर आया जो वो भिखारी बाबा उसे दे रहे थे। मंगल ने वो चाकू अपनी जेब में रखा और जाने लगे। बाहर वो भिखारी मंगल को फिर दिखाई दिया। वो दोनों उसके पास गए और भिखारी बाबा से मंगल ने हाथ जोड़ के धन्यवाद किया। बाबा ने कहा, तेरी बीवी अब ठीक है, जो तुझे वहाँ मिला था उसे अपने पास हमेशा रखना, भगवान तेरा भला करे। वैसे तो ये दुनिया बहुत मतलबी है, पर कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आते हैं और बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद कर चले जाते हैं। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।